तो आज हमने करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल्स। अब इसके लिए एक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं और इसे हम कहते हैं ऑफ बा प्रिंसिपल। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू लो एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट। मतलब क्या? जिस शेल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें एंटर होंगे। अब स्टूडेंट्स के लिए इशू ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस शेल की एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। तो इसके लिए हमें एक एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सब शेल्स ये बनाना होगा। अब कितने किस्म के सब शेल्स हैं? देयर आर 4 सब शेल्स। तो आपने बनाने हैं कितने कॉलम? आपने बनाने हैं 4 कॉलम बनाने। आगे मैं बना के आपको दिखा दूंगा। उसका तरीके कार किया कि 4 कॉलम्स आप क्यों बनाएंगे, क्योंकि सब शेल्स कितने किस्म के? 4 एस पी डी एफ। अब सीक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट कॉलम में आपने शो करने हैं 8 सर्कल और इसको आपने फिल करना है 1 इससे लेकर 8s तक। मैं आपको दिखा दूंगा। सेकेंड कॉलम में आपने बनाने हैं कितने सर्कल? 6, यानी 2 कम हो गए और उसको आपने फिल करना है 2p से स्टार्ट लेना है और 7p तक। जो आपका थर्ड कॉलम होगा उसमें आपने कितने बनाने? 4, 4 सब शेल्स बनाओगे और उसको आपने फिल करना है डी से, स्टार्ट लोगे 3d से लेकर 6d तक। उसके बाद जो लास्ट कॉलम होगा उसमें आपने बनाने हैं 2 सर्कल। ये मैं सर्कल कर रहा हूं, पहले में 8, दूसरे में 6, तीसरे में 4 और लास्ट में 2 सर्कल बनाने और उसको आपने फिल करने f से, 4f से लेकर 5f तक। अब अगर आप इन सब में देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में कितने सब शेल्स हैं? 8, अगले में कितने हैं? 6, अगले में कितने हैं? 4, अगले में कितने हैं? 2। तो सिंपल सी बात यह है कि फर्स्ट में आप 8 सर्कल ड्रा करें और नेक्स्ट जाते जाए 2-2 कम करते जाए, अगले में 6 हो गए, उससे अगले में 4 हो गए और उससे अगले में 2 हो गए। अब ये कैसे हम ड्रा करेंगे ये मैं आपको बना के देता हूं। जी हमारे पास क्या मैंने कहा था कि फर्स्ट कॉलम में आपने शो करने कितने? 8 सर्कल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगले में 6, यानी एक ऊपर से कम करो और एक नीचे से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगले में भी 2 कम करो, एक ऊपर से और एक नीचे से, 4 करो, 1, 2, 3, 4, और आखिरी कॉलम में आपने ड्रा करने हैं 2 सब शेल। अब फर्स्ट कॉलम को क्या कहा था? 1s से स्टार्ट करो, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। अब 1p की जगह खाली है तो आप स्टार्ट करेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। p के बाद d सब शेल। अब 3d से स्टार्ट करोगे, 3d, 4d, 5d और 6d, f, 4f, 5f। अब सीक्वेंस क्या बनेगा? 4 कॉलम आपने बना लिए, फर्स्ट में 8 सब शेल, अगले में 6, अगले में 4 और अगले में 2। अब इसमें लाइंस आप ड्रा करेंगे वो आपको सीक्वेंस बताएगा। तो लाइंस आपने इस तरह तिरछे ड्रा करने, स्ट्रेट नहीं,
ये आप देखेंगे, और हर लाइन के एंड पे आपने एरो लगाना है। ये देखते हैं आप, स्ट्रेट नहीं, यूं। अब जिस तरह ये एरो जा रही है आपको दिखा रहे कि कौन सा सबसे पहले आएगा। सबसे पहले क्या था? वन एस। उसके बाद एरो जा रही है कहां पर? टू एस में। तो वन एस के बाद टू एस, टू एस के बाद एरो कहां चलेगी? टू पी। टू पी के बाद एरो जा रही है थ्री एस में। अब थ्री एस के बाद फिर क्या? थ्री पी। अब ये पूरा आपका सीक्वेंस है, इन एरोस को फॉलो करें। थ्री पी के बाद क्या? फोर एस, और इस तरह ऑनवर्ड आप जाते जाएंगे। यानी ये जो सब शेल्स का सीक्वेंस है, जो एरो जा रहे हैं, एरो पहले वन एस में, टू एस में, टू पी के बाद थ्री एस, फिर थ्री पी, फोर एस, 3D, 4P, 4, ये पूरा सीक्वेंस है, इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब ये एक एटम है सोडियम 11, और वो कहते हैं कि जी आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सब शेल्स में। अब ये जो मैंने ऊपर सीक्वेंस बना लिया, ये किसी भी एटम के लिए है। सबसे पहले कौन सा शेल आ रहा है? 1s। अब इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कल बताया था मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन ऊपर शो करने हैं। वन एस के बाद कौन सा सबसे लगा रहा है? टू एस। इस जहां भी होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? टू। ऊपर आप इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। टू एस के बाद टू पी है, पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कल वाला लेक्चर आप देख ले, आप कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टू प्लस टू फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, हमारे पास है कितने? इलेवन। अब थ्री, टू पी के बाद थ्री एस। अब इस सब शेल में आ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम दो, लेकिन हमारे पास एक बचा है, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इधर कितने? टोटल 11, ये ऐड करो, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11। अब एक और एटम ले लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, स्टार्ट वही है 1s। इस सब शेल में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन, ये सीक्वेंस किसी भी एटम के लिए है। वन एस के बाद कौन सा सबसे आ रहा है? ऊपर से देखेंगे टू एस, और इस सेक्शन में दो इलेक्ट्रॉन। टू एस के बाद टू पी, और पी में हमेशा सिक्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास टोटल 20 है, इसको आपने बार बार देखना है। इसके बाद थ्री एस, इस सेक्शन में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन। थ्री एस के बाद थ्री पी, और पी में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन? सिक्स। अब आपके पास टोटल है 20 इलेक्ट्रॉन, आपने कितने शो किए? 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, दो इलेक्ट्रॉन अब भी रहते हैं। अब 3p के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है? 4s, इसमें मैं दो इलेक्ट्रॉन रखूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 20, ऊपर भी 20, ऐड करेंगे दोबारा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, प्लस 6 18, प्लस 2 20। अब हम एक और एटम लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, उसका टॉपिक नंबर है 1, 1s1। एक इलेक्ट्रॉन था जो कि फर्स्ट शेल, फर्स्ट सब शेल में आ गया। अब आपने एक प्रैक्टिस करनी है, ये आपने एल्यूमिनियम 13 आपने ट्राई करना है, इसके बाद मैग्नीशियम 12, इनके एटॉमिक नंबर है, इसके बाद क्लोरीन 17, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैंने ऊपर सीक्वेंस ड्रा कर लिया, ये किसी भी एटम के लिए एप्लीकेबल है। सीक्वेंस आपने अभी आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोराइज करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपने सीक्वेंस फर्स्ट कॉलम एट सब शेल, अगला कॉलम सिक्स सब शेल्स, अगला कॉलम फोर, अगला कॉलम टू, और फिर आप इस तरह इंक्लाइंड एरोज आपने ड्रा करने, स्ट्रेट नहीं, ठीक है। और ये एरोज आपको क्या बता रहे हैं? आपको सीक्वेंस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहले एरो जा रहा है 1s में, तो 1s, फिर एरो जा रहा है 2s, 2s, 2p, 3s। ये जो सीक्वेंस है ये मैं ऊपर यहां लिख रहा हूं, और एक सब शेल में, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इस सब शेल में हमेशा मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14।
इससे कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अगेन कोई क्वेश्चन हो, अब हमने दोनों, अब हमें एक ऐसा एटम ले लेते हैं कि हम उसका बोहर मॉडल भी बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन भी कर लेते हैं। अब ये आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब ये एक एटम है, ये मुझे एक एटम के माने कीजिए आपके पास एल्यूमिनियम 1327। आप इसका दो काम करें, इसके साथ आप इसका बोहर मॉडल भी बनाइए और बोहर मॉडल के साथ साथ आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सब शेल्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है सब शेल्स में। अब अगर मैं सबसे पहले इसका बोहर मॉडल बनाऊंगा तो बोहर मॉडल में सबसे पहले हम शो करते हैं न्यूक्लियस। अब यहां पर कितने प्रोटॉन्स है, ये एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन्स इसमें है 13। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, 27 माइनस 13 तो न्यूट्रॉन इसमें आ रहे हैं 14। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 13। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये इसका बना बोहर मॉडल। अब अगर मैं सब शेल्स में करूंगा वही सीक्वेंस है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 13, इधर कितने 2 + 2 = 4, 10, 12, एक इलेक्ट्रॉन बच गया और वो सर 3p1। तो ये सब शेल्स में और ये इसका बोहर मॉडल। अब ये जो तीन एटम बाई तो मैंने कर लिया, बाकी दो एटम्स आप खुद ट्राई करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिए शेल्स में भी और सब शेल्स में भी। नोट्स अकेले आप इसको बार बार देख लें।